हे गाइस, कैसे हैं? शॉर्ट वीडियो सीरीज के इस भाग में आपका स्वागत है। इन दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट सम अदर रिलेशन नेम्स इन हिंदी। इस वीडियो के इस भाग में हम सीखेंगे कुछ और रिश्तेदारों के नाम हिंदी में। सबसे पहले हम इन लॉज की कैटेगरीज के नाम सीखेंगे, जिनमें बॉय साइड के लोगों के नाम क्या क्या होते हैं वो जानेंगे। सबसे पहला नाम है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ को हम हिंदी में सास या फिर सासू माँ कहते हैं। दूसरा है फादर इन लॉ, जिसे हम हिंदी में ससुर जी कहते हैं। तीसरा है डॉटर इन लॉ, जिसे हम बहू कहते हैं। चौथा है सिस्टर इन लॉ, जिसे हम हिंदी में ननद कहते हैं। अगला है सिस्टर इन लॉज हस्बैंड, जिसे हम हिंदी में नंदोई कहते हैं। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि सिस्टर इन लॉज हस्बैंड कौन है। किसी भी लड़की के हस्बैंड की बहन के पति को हम नंदोई कहते हैं। स्मॉल ब्रदर इन लॉ इज कॉल्ड देवर। छोटे ब्रदर इन लॉ को देवर कहते हैं। अब आता है स्मॉल ब्रदर इन लॉज वाइफ, जिसे हम हिंदी में देवरानी कहते हैं, यानी देवर की पत्नी देवरानी कहलाती है। नेक्स्ट है बिग ब्रदर इन लॉ, जिसे हम हिंदी में जेठ कहते हैं। नेक्स्ट है बिग ब्रदर इन लॉज वाइफ, जिसे हम हिंदी में जेठानी कहते हैं। इसका मतलब जेठ की पत्नी जेठानी कहलाती है। चलिए अब हम उन इन लॉज के नाम सीख लें जो गर्ल साइड के होते हैं, यानी लड़की पक्ष के होते हैं। जैसा कि हमने पहले सीखा, डॉटर इन लॉ को बहू कहते हैं, वैसे ही सन इन लॉ को दामाद कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रदर इन लॉ, यानी पत्नी के भाई को साला कहते हैं। उसके बाद आता है ब्रदर इन लॉज वाइफ, यानी पत्नी के भाई की पत्नी को सरहज कहते हैं। नेक्स्ट है सिस्टर इन लॉ, यानी पत्नी की बहन को साली कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं सिस्टर इन लॉज हस्बैंड, यानी पत्नी की बहन के पति को साढ़ू भाई कहते हैं। आइए अब हम अपने कुछ कजिन्स के नाम भी हिंदी में सीख लें। कजिन ब्रदर इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड होता है, बट अकॉर्डिंग टू रिलेशन हम हिंदी में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यूज करते हैं। जैसे कजिन ब्रदर के लिए हम चचेरा, ममेरा, फुफेरा या मौसेरा भाई यूज करते हैं। चाचा के लड़के को चचेरा भाई, मामा के लड़के को ममेरा भाई, बुआ के लड़के को फुफेरा भाई
और मौसी के लड़के को मौसेरा भाई कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में सिर्फ एक कजन सिस्टर यूज करते हैं, बट हिंदी में हम अकॉर्डिंग टू रिलेशन उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट नाम यूज करते हैं, जैसे चचेरी, ममेरी, फुफेरी और मौसेरी बहन। चाचा की लड़की को चचेरी बहन, मामा की लड़की को ममेरी बहन, बुआ की लड़की को फुफेरी बहन और मौसी की लड़की को मौसेरी बहन कहते हैं। नेफियो को हम हिंदी में भतीजा या भांजा कहते हैं। आइए मैं अब आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि हम भतीजा कैसे कहते हैं और भांजा किसे कहते हैं। भाई के बेटे को भतीजा कहते हैं और बहन के बेटे को भांजा कहते हैं। नीस को हम हिंदी में भतीजी या भांजी कहते हैं। चलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भतीजी किसको कहते हैं और भांजी किसको कहते हैं। भाई की बेटी को भतीजी कहते हैं और बहन की बेटी को भांजी कहते हैं। So now it's time to learn about great grandones. ग्रेट ग्रैंडफादर को हम हिंदी में परदादा या परनाना कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम परदादा किसे कहते हैं और परनाना किसे कहते हैं। तो चलिए ये भी मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। दादाजी के पिताजी को परदादा कहते हैं और नाना जी के पिता को परनाना कहते हैं। ठीक वैसे ही ग्रेट ग्रैंडमदर को हम हिंदी में परदादी या परनानी कहते हैं। चलिए मैं जल्दी से इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। दादाजी की मम्मी को हम परदादी कहते हैं और दादी जी की मम्मी को हम परनानी कहते हैं। ग्रेट ग्रैंडसन को परपोता या परनाती कहते हैं। वैसे ही ग्रेट ग्रैंडडॉटर को परपोती या परनातिन कहते हैं। चलिए अब हम कुछ नए बनने वाले रिश्तों के नाम भी सीख लें। फियांसे और फियांसी को हम हिंदी में मंगेतर कहते हैं। ये मंगेतर शब्द हम लड़का और लड़की दोनों के लिए ही यूज करते हैं। ब्राइड को हम हिंदी में दुल्हन कहते हैं। और ब्राइड ग्रूम को हम हिंदी में दूल्हा कहते हैं। सो आर यू रेडी टू सी टुडेज क्वेश्चन? टुडेज क्वेश्चन इज, What is a big brother-in-law called in Hindi? Big brother-in-law को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? यदि आप इसका उत्तर जानते हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सही उत्तर देने वाले लकी सब्सक्राइबर का नाम मैं अपने अगली वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। तो देर किस बात की? जाइए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। और हाँ, इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। होपफुली इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे और रिलेशन के नाम हिंदी में पता चल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना सजेशन दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।